इधर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी गुना सहित ग्वालियर अंचल के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि कोई गलती हो तो उन्हें माफ करना। सिंधिया ने ये बात शिवपुरी में एक सामाजिक सम्मेलन में मंच से कही। सिंधिया ने कहा कि मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, पहले की तरह विकास के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हार की अपेक्षा सिंधिया को नहीं थी, इस वजह से अब सिंधिया अपने इलाके में पूरी सक्रियता और जोश के साथ अपने आने वाली नई पारी के लिए जुट गए हैं। संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाइयों और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध, ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता, विकास करने की सोच है तो आपके लिए, गलतियां हुई हूं वो माफ करना, पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे मैं पहले लगा था इस संभाग के लिए, केवल शिवपुरी नहीं लेकिन संपूर्ण संभाग के विकास और प्रगति के लिए, मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहूंगा। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। जय मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाइयों और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध, ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता, विकास करने की सोच है तो आपके लिए, मुझसे जो गलतियां हुई हूं वो माफ करना, पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे मैं पहले लगा था इस संभाग के लिए, केवल शिवपुरी नहीं लेकिन संपूर्ण संभाग के विकास और प्रगति के लिए, मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहूंगा। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। जय